हेलो गाइस, दिस इज सुमित और आप देख रहे हो सैम सपोर्ट। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा कि दोस्तों पहले क्या होता था कि जब ट्रेन चलती थी तो बहुत हम लोग सुनते थे कि अगर ट्रेन के सामने लाल झंडा या लाल कपड़ा दिखा देते थे तो ट्रेन रुक जाती थी। क्या यह आज भी पॉसिबल है? क्या आज भी लाल झंडा काम करता है या फिर नहीं करता है? कौन से इसके प्रोसीजर है, इस चीज़ के बारे में मुझे बताइए। तो चलिए, मैं यहाँ पे बात करता हूँ। इस जो पहले के जो नियम थे लाल झंडा दिखाने के बाद, बहुत सारी कहानियाँ हुआ करती थी इस चीज़ पे कि कोई बच्चा था, उसे मतलब पता चलता है कि यह पटरी टूटा हुआ, लाल झंडा दिखाता है और ट्रेन रुक जाती है, लोगों के जान बच जाते हैं। उसे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ आप भी सुने होंगे, उसके बारे में मैं यहाँ पे जो भी डाउट है उसे क्लियर करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको पता है कि आज के करंट के इस लाल झंडे को लेके क्या नियम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चलिए, मैं बताता हूँ और आप लोगों के डाउट क्लियर करता हूँ। दोस्तों, हाँ, आज भी ट्रेन रुकती है अगर आप लाल झंडा दिखाते हो तो। यहाँ पे आज भी ट्रेन को रुकने का यहाँ पे रूल्स है। तो दोस्तों, इसके क्या कंडीशंस है, कंडीशंस मैं बताता हूँ। अगर कोई भी मतलब कि ट्रेन ट्रेवल कर रही है लेकिन आपको लगता है कि आगे पटरी कुछ टूटी हुई है या फिर कोई क्राउड है आगे जो कि ट्रैक जो ट्रैक क्रॉस कर रहा है या फिर कोई ऐसा जानवर है जो कि उसका ग्रुप पूरा ट्रैक को क्रॉस कर रहा है, यानी कि पटरी पे अगर कुछ भी गतिविधि चल रही है जो जिसको लेके यात्रियों को दिक्कत हो सकती है जो भी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप बेशक आप वहाँ पे लाल झंडा दिखा के ट्रेन को रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे शरारत करते हो, यानी कि ट्रेन में कुछ नहीं, मतलब ट्रेन के ट्रैक पे कुछ नहीं हो रहा है लेकिन आप जा रहे हो झंडा दिखा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि रेलवे का जो भी कर्मचारी रहेगा वो आपकी कंप्लेन करेगा और RPF के कर्मचारी आपको उठा के लेके जाएंगे और बहुत कुटेंगे। तो आप होशियार हो जाओ कि जब भी आपको ऐसी शैतानी करनी है तो उसी केस में करो जब कोई दिक्कत यहाँ पे मतलब कि होने वाली हो या कुछ ऐसे कंडीशंस हो जहाँ पे पटरियों के काम चलते हो या फिर कुछ ऐसी क्राउड हो या यानी कि जो रेलवे के जो मतलब कि फाटक होते हैं कभी कभी खुले होते हैं, वो ऐसे केस में आप दिखा सकते हो। वैसे केस में आपको कोई भी सज़ा नहीं होगी, लेकिन हाँ, आप शैतानी करोगे तो ज़रूर यहाँ पे आपको सज़ा RPU द्वारा मिल सकती है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आपको पहले इस चीज़ के बारे में पता रहा होगा। तो दोस्तों, अगर कुछ सीखने को इस वीडियो के माध्यम से मिला आपको तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग इसके बारे में जान सकें। और इसी तरह के ढेर सारे यूज़फुल वीडियो आप फ्यूचर में पाना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।